शासन चुनाव के लिए मतदाता सूची कल हम इशू करेंगे, जारी कर देंगे, और उसमें जिनके ऑब्जेक्शन हैं वो हम 20 तारीख को ऑब्जेक्शन हम लेंगे और उसको फिर 20 की शाम तक फाइनल कर देंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। महाविद्यालय प्रशासन जुटा छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में, तो छात्र टटोल रहे हैं छात्र नेताओं की नब्ज। छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होने जा रहे हैं, इससे पूर्व छात्र नेता और महाविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनावों की तैयारियों में जुट गया है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय की ओर से चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 18 अगस्त को वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, 20 अगस्त को आपत्तियां लेकर उसी दिन संशोधित लिस्ट जारी कर दी जाएगी, 22 अगस्त को नामांकन दाखिल होंगे और 23 अगस्त को फाइनल लिस्ट जारी होगी। उन्होंने बताया कि कुल 7,151 मतदाताओं द्वारा मतदान की संभावना जताई जा रही है, फिर भी फाइनल लिस्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्ट्स ब्लॉक और साइंस ब्लॉक PGUG में मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं, छात्र भी मतदान प्रक्रिया में पूरा सहयोग देंगे। फिलहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी हैं, छात्र व्यक्तिगत तौर पर छात्रों से संपर्क साधकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, कहीं से भी कोई न्यूसेंस की खबर नहीं है। छात्र संघ चुनावों के लिए मतदाता सूची कल हम इशू करेंगे, जारी कर देंगे, और उसमें जिनके ऑब्जेक्शन हैं वो हम 20 तारीख को ऑब्जेक्शन हम लेंगे और उसको फिर 20 की शाम तक फाइनल कर देंगे। उसके बाद 22 को नॉमिनेशन है छात्र संघ का और उसके बाद चुनाव है, और करीब 7,151 वोटर्स की संभावना है। कल जो सूची जारी होगी वो लगभग 7,151 है, और जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं यूजी के स्नातक स्तर के, वो आर्ट्स ब्लॉक में हमने मतदान केंद्र बना रहे हैं, और साइंस के और कॉमर्स के यूजी और पीजी दोनों के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बूथ हम साइंस ब्लॉक में और पीजी ब्लॉक में बना रहे हैं, ऐसा है। तक किसी तरह का उनके काम, देखिए हमने एक शिकायत निवारण समिति बना रखी है, अभी तक उनके पास कोई शिकायत आई नहीं है, और जो भी है विद्यार्थी शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार कर रहे हैं अपना, और पर्सनल लेवल पर ही प्रचार कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जैसे चुनावों की सरगर्मी होती है वो तो चल ही रही है, आप देख ही रहे हैं, लेकिन कुल मिला के शांतिपूर्ण तरीके से प्रचार हो रहा है और अभी तक कोई ऐसी घटना हमारे सामने नहीं आई है जो आपत्तिजनक हो। वहीं चुनाव अधिकारी डॉक्टर खाइद अली खान ने बताया कि 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान होगा और 27 अगस्त को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। महाविद्यालय की ओर से चुनाव की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मैं डॉक्टर खाइद अली खान, मुख्य चुनाव अधिकारी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में, हमारे यहाँ चुनाव घोषित हुए हैं सरकारी, 22 तारीख को नामांकन लिए जाएंगे, उसके बाद 23 तारीख को उसकी आपत्ति है और फिर उसी दिन जो है लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी फाइनल प्रत्याशियों की, और 24 और 25 तारीख को कोई कार्य नहीं है, कार्य हमारा चलता रहेगा, और 26 तारीख को चुनाव मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, 8 बजे से 1 बजे तक चुनाव है, और 27 तारीख को जो है मतदान का जो है चुनाव घोषित किया जाएगा। सभी तैयारियाँ चल रही हैं और कल जो है सभी वोटर लिस्ट हमारे तैयार हो गए हैं, सभी की लिस्ट है PG और UG क्लासेस सभी की, और कल वो लगा दी जाएगी 18 तारीख। लगभग कितने वोटर रहेंगे? लगभग अनुमानित 600-650 वोटों का अनुमान है, और लिस्ट अभी फाइनल हो रही है, उसमें कल फाइनल हो जाएगी तो उसका स्टेटस आपको पता लग जाएगा। जी, आपका परिचय। जी, मैं जो है सभी छात्रों से के लिए अपील करता हूँ अपनी तरफ से कि वो चुनाव को निर्बाधित रूप से जो है संपन्न कराएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें, और जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान अपने तौर पर न डालें ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। मई महाविद्यालय में NSUI छात्र संघ छात्रों की नब्ज टटोलकर उम्मीदवारों की घोषणा के लिए प्रयासरत है।
प्रभारी और संयोजक इस कार्य में उनकी मदद कर रहे हैं। संयोजक अलग अलग छात्रों से बात कर उनकी दावेदारी को समझ रहे हैं और उसके बाद ही छात्र संगठन के लिए अलग अलग महाविद्यालयों में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरी जिम्मेदारी से हर महाविद्यालय में अपने उम्मीदवार घोषित करने के लिए प्रभारी और सह प्रभारियों की मदद लेकर हमने हर महाविद्यालय में संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। जो संयोजक हमें ये बताएंगे कि कौन उम्मीदवार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले उम्मीदवारी अपनी दिखा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर से उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ली जा रही है। कल मतदाता सूची का प्रकाशन होना है, तो उसके बाद ही हम ये निर्णय लेंगे कि कौन किस महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का उम्मीदवार होगा। और जैसे जैसे छात्र संघ चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रति हर महाविद्यालय में सकारात्मक माहौल है और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हर महाविद्यालय में अपना परचम लहराने जा रहा है। चुनाव को लेकर के छात्रों में किस तरह का माहौल? सकारात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं बाधाएं परीक्षाओं की भी है कि हर विश्वविद्यालय हमारा विश्वविद्यालय है जहाँ अभी परीक्षाएं चल रही है। अब सकारात्मक माहौल बन नहीं पा रहा है छात्र संघ का। अब महाविद्यालय ने एक अच्छा प्रयास किया है कि 22 के बाद 28 तक परीक्षाएं आगे पोस्टपोन्ड कर दी है, तो इसके लिए मैं कुलपति महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक माहौल छात्रों के बीच में, जो उत्साह छात्र संघ का दिखना चाहिए, वो दिख नहीं पा रहा है। कोई बड़े महाविद्यालय हैं जैसे राजकीय महाविद्यालय में तो यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जो छोटे महाविद्यालय हैं जिनकी संख्या कम है, वहाँ परीक्षाओं में छात्र व्यस्त हैं, तो इसका कहीं ना कहीं जो मतदान प्रतिशत होगा उस पर असर दिखेगा। वैद्यानंद महाविद्यालय में कृषि विभाग के विद्यार्थियों द्वारा प्राचार्य पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फिर से आंदोलन शुरू कर दिया गया। बीएससी थर्ड ईयर के छात्र रामरतन यादव ने बताया कि 15 अगस्त को प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने उन्हें फीस बढ़ोतरी को वापस लेने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन दो दिन बाद ही प्राचार्य अपनी बात से मुकर गए हैं और उन्होंने फिर से फीस बढ़ोतरी का फरमान जारी कर दिया। लेकिन छात्र भी हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक फीस बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक छात्रों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। हम यहाँ पर सभी कच्ची छात्र आज इकट्ठा हुए हैं। हमने 15 अगस्त के दिन यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था फीस माफ के लिए, तो उस दिन प्रिंसिपल ने हमारी सभी मांगे मान ली थी, लेकिन आज फिर से उन्होंने वो बात से मुकर गए अपनी और फिर से फीस बढ़ा दी है। उसके विरोध में हम यहाँ सभी छात्र एकत्रित हुए हैं और हमारी मांगे रख रहे हैं। प्रिंसिपल ने अपने ओहदे का भी सम्मान नहीं किया और 2 मिनट में वो मुकर गए अपने बात से, और जो उन्होंने जो लिखित में जो नोटिस निकाला था उससे मुकर के उन्होंने अभी नया नोटिस निकाला है, उसके अंदर हमारी 10-12% तक फीस बढ़ा दी है। उसके विरोध में हम यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। आपकी फीस कौन से सेमेस्टर किस विभाग में क्या बढ़ी है, इस बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? हमारी सेकेंड ईयर की फीस 10-12% बढ़ी है और फोर्थ ईयर की भी जो पहले 30,000 थी उसको बढ़ा के 33,000 कर दिया है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे आपका धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ पर डटे हुए हैं, और जब तक चाहे 2 दिन लग जाए 5 दिन लग जाए, सभी छात्र यहाँ पर एकत्रित हैं और हम एकजुट हैं, और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी।